कबीर सिंह की फीमेल लीड कियारा आडवाणी को कल मुंबई के वर्सोवा एरिया में किया गया स्पॉट। समर्स ने कियारा का हॉट अवतार टेम्परेचर रेज करता हुआ दिखाई दिया। वहीं अपनी अपकमिंग मूवी कलंक के प्रमोशंस में जी जान से लगे हुए वरुण धवन अपने वर्कआउट को मिस नहीं करते। कल वरुण को उनके जिम के बाहर कूल जिम लुक में शटरबग्स ने किया कैप्चर। मूविंग ऑन, ईशान खट्टर कल नजर आए अपने बाइकर मोड में। ईशान को मुंबई के एक एरिया में स्पॉट किया गया जब वो अपनी बाइक में राइड एंजॉय करने के लिए रेडी होते हुए नजर आए। वहीं कल रात एक अवार्ड शो में गॉर्जियस एंड टैलेंटेड विद्या बालन और पॉपुलर फिल्म मेकर जोया अख्तर को किया गया स्पॉट। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक नया बेंचमार्क सेट करने वाला है, क्योंकि ये एक पैन इंडिया पैन लैंग्वेज ऑल द क्रिटिक्स हैव कम टुगेदर एक अवार्ड देने के लिए जो बेस्ट इन इंडियन सिनेमा है, हिंदी और सारा इंडियन सिनेमा में जो है। सो आई थिंक इट्स अ न्यू बेंचमार्क एंड इट विल बी वेरी गुड। मैं मानती हूँ कि जब देश भर के क्रिटिक्स एकजुट होते हैं और ये अवार्ड्स इंस्टीट्यूट करते हैं तो इसका कोई तो मतलब होगा, कोई एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश होगा कि जैसे मैंने कहा विश्वसनीय अवार्ड्स होंगे जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। अच्छा कि यू नो कोई और कंसिडरेशंस नहीं होंगे, सिर्फ अच्छा काम, सिर्फ अच्छे काम को यहाँ अप्रिशिएट किया जाएगा। सो आई थिंक इट्स ग्रेट। मैंने बहुत बटोरे हैं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं मानती हूँ कि यू नो इट्स वंडरफुल एज एन इंडस्ट्री टू गेट टुगेदर, एक दूसरे के लिए ताली बजाना बहुत ज़रूरी है। कभी हम अवार्ड्स देते हैं कोई और दूसरा अवार्ड ले जाता है, पर इनको इतना भी सीरियसली ना हो कि दिल में यू नो क्लेश हो जाए या आपको दुख हो या कुछ। पर जिस साल आप जीतते हैं बहुत अच्छा लगता है, जब कोई और भी जीते तो ताली बजा के निकल जाइए, क्या है उसमें। कौन से फिल्म के लिए आपको दिल में क्लेश हुआ था कि यार मुझे मिला नहीं? आई रिमेम्बर भूल भुलैया के वक्त मुझे नॉमिनेट नहीं किया गया था और मैं बहुत दुखी हुई थी क्योंकि सब मुझसे कह रहे थे कि अरे परफॉर्मेंस बड़ा ज़बरदस्त है और फिर नॉमिनेट ही नहीं किया था। तो आई रिमेम्बर मुझे थोड़ा सा झटका लगा था, पर मैं पार्ट ऑफ लाइफ। आप इंदिरा गांधी की बायोपिक कर रहे हैं, ये बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं इंदिरा गांधी पे वेब सीरीज करने की कोशिश कर रही हूँ, पर फिलहाल तो वो एक कोशिश है, देखते हैं यू नो क्या होता है, बिकॉज सीरीज इज़ अ लॉट ऑफ वर्क और बहुत लोग साथ में जुड़ते हैं, फिल्म से भी ज़्यादा, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, पर जब करूँगी तो अच्छे से करूँगी। दूसरी तरफ एक्ट्रेस अदा शर्मा ने भी अपनी अपकमिंग शॉर्ट फिल्म मोह के बारे में की मीडिया से बात। वेल मोह इज जैसे हमारे ट्रेलर में आपने देखा, व्हाट यू समटाइम्स व्हाट यू वांट माइट नॉट बी एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। सो लाइक इन द ट्रेलर वी आर सेइंग की लाइक व्हाट डू यू वांट, यू वांट टू ईट अनलिमिटेड पिज्जा एंड नेवर बिकम फैट, और यू वांट सिक्स पैक एब्स विदाउट गोइंग टू द जिम। सो व्हेन यू टेल समवन दिस दे थिंक और क्या चाहिए लाइफ में, एंड यू वांट सिक्स पैक एब्स विदाउट गोइंग टू द जिम, राइट? व्हाट मोर डू यू वांट? But you don't realize that that's not really important once you lose something that you actually that actually means a lot to you, like a parent. I've lost my dad, so I know the grief of losing a parent. Like you can't compare it to anything else in the world. For me, I think you can't even compare it to anything. And probably when something like that happens, you realize that all these other things like a new phone or a new car or things like this are not important at all. So when Kevin and Kailash, Kevin and Kabir, sorry, narrated this film to me, I was like, this is a very, very emotional story. If I do it really well and pull it off, I think I can make a lot of people cry. And there's this whole monologue that happens, that last monologue, which is like a 3-minute thing. So he asked me, he was like, can you do it in one take and can you cry and all and do it? And I was like, yeah, let's do this. So I think we pulled it off because whoever's watched it has really enjoyed it. बहुत कम समय में ही पॉपुलर हुए मोबाइल ऐप MX Player के अपकमिंग सीरीज इनसाइडर्स के कास्ट दिखे अपने शो के लिए बेहद एक्साइटेड। वहीं मनीष पॉल और तिस्का चोपड़ा को जुहू के एक मल्टीप्लेक्स में किया गया स्पॉट।